हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स पे। और हर बार की तरह मैं फिर से आपको एक नई जगह घुमाने लेके जा रहा। और आज जो है, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बिहार का सारण जिला। जैसा कि आपको मालूम ही है, सारण जिला का जो है वो मुख्यालय छपरा शहर है। और छपरा शहर के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है कहावत है, मैं आपको बता दूं। छपरा के लोग ये कहते हैं, भाई अरे छपरा घर बा तो काहे का डरबा। तो इसी के साथ मैं अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। और छपरा यानी कि सारण जिला का जो है मुख्यालय है ये। तो मैं बता दूं, छपरा जो है वो सारण जिला का मुख्यालय है। छपरा शहर की आबादी जो है आज के समय में लगभग 1.5 लाख है। और ये शहर जो है वो गंडक और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और छपरा शहर जो है वो, यहाँ की मुख्य भाषा जो है वो भोजपुरी है। और छपरा जो है वो बिहार प्रांत में स्थित है। यहाँ के लोगों का मुख्य जो है वो व्यवसाय कृषि है, यानी कि खेती में ज़्यादातर लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ का पिन कोड जो है वो है 841301। और छपरा जिले का क्षेत्रफल जो है वो है 2641 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा मैं इसके इतिहास में जाता हूँ। छपरा जो है, छपरा का नाम सारण है या सारण का ही है जो मुख्यालय शहर है छपरा। तो इसका इतिहास ये है कि ये पहले ऋषि मुनियों या जो है वो मंदिरों का शहर हुआ करता था। हाँ, तो विवश अब मैं आपको बताने जा रहा यहाँ के मार्केट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, छपरा शहर में एक से बढ़कर एक मार्केट है। अरे भाई, मुझे मालूम है आप सब तो घूमने के बड़े शौकीन हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, छपरा वाले तो कहते ही हैं, जब छपरा घर बा तो काहे का डर बा। हाय हाय हाय, तो मैं बता दूं। हाँ, तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, छपरा में एक से बढ़कर एक मॉल्स भी है। और आजकल इन दिनों आई लव छपरा जो है बहुत ही फेमस जो है छपरा वालों का जो है वो मार्केट प्लेस बन चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, छपरा में एक से बढ़कर एक मंदिर भी है। तो कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में मैं आपको बता दूं कि छपरा का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है धर्मनाथ जी का मंदिर। ये जो है नदी के किनारे स्थित है। और छपरा से लगभग जो है 20-25 किलोमीटर की दूरी पे आमी का प्रसिद्ध जो है वो दुर्गा माँ का मंदिर है, जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। छपरा और छपरा के आसपास के जिलों के लोग भी घूमने आते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, छपरा में एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी है। और इन रेस्टोरेंट्स में आप जा करके आप खा पी सकते हैं और आप मस्ती कर सकते हैं। और छपरा के यूथ्स के बीच में इन रेस्टोरेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है क्रेज हो चुका है आज के डेट में। छपरा में वाटर पार्क्स की भी कमी नहीं है। छपरा में अभी एक वाटर पार्क भी खुल चुका है, जो कि छपरा का एक प्रसिद्ध फेमस जो है फन डेस्टिनेशन बना हुआ है यहाँ के लोगों के बीच में। लोग यहाँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं। और हाँ, छपरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जो कि अभी फिलहाल फंक्शनल नहीं है। और गवर्नमेंट को, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट को और भारत सरकार को इसे फंक्शनल भी करना चाहिए, ताकि उत्तर बिहार के लोगों को और छपरा के आसपास के लोगों को एयर कनेक्टिविटी का भी फायदा मिल पाए। छपरा में बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी हैं। और मैं आपको बता दूं, छपरा में अभी फिलहाल एक डबल डेकर ब्रिज भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाने की योजना है। और ये बनने के बाद ये बिहार का सबसे बड़ा डबल डेकर ब्रिज होगा या होने वाला है। और अब हम बात करेंगे बस स्टैंड की। तो छपरा में एक बस स्टैंड भी है। यहाँ पे से आपको छपरा से बिहार के सभी जिलों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। ये बस स्टैंड जो है शहर के बाहर में स्थित है। उसके अलावा छपरा जो है वो यूपी के बॉर्डर पर भी स्थित होने की वजह से जो है वो छपरा का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध मांझी ब्रिज छपरा को बलिया से जोड़ने का कार्य करता है। मांझी ब्रिज की जो बनावट जो इतनी सुंदर है कि आप इसको देखते रह जाएंगे। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि डबल डेकर ब्रिज जो है छपरा का जो है वो आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला एक स्ट्रक्चर बनने वाला है। और छपरा में एक से बढ़कर एक होटल्स भी हैं। इन होटल्स में अगर आप पहुंचे तो आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये होटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इनके कमरे भी काफ़ी साफ सुथरे हैं। ज़्यादातर होटल्स आपको हथुआ मार्केट या उसके आसपास मिलेंगे। और छपरा जो है, चूंकि एक जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ पे अपना इसका एक रेलवे स्टेशन भी है, जो छपरा को बिहार और दिल्ली हावड़ा मार्ग से जोड़ने का कार्य करता है। छपरा शहर जो है वो दिल्ली हावड़ा मार्ग पर स्थित होने की वजह से छपरा का अपना रेलवे कनेक्टिविटी भी बड़ा ही मजबूत है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही हम और भी नए शहर की, नए जिले की वीडियो हम आपके सामने बना करके लेके आएंगे।